भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक तरफ जहां प्रदेश सरकार पर माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही के नाम पर भाजपा समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा संभाला है। उन्होंने आज अधिकारियों के खिलाफ मैदान संभालते हुए धरना भी दिया। लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय तक विजयवर्गीय धरना पे संभागायुक्त के घर के बाहर धरने पे बैठे रहे। इस दौरान कई नेताओं सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। दरअसल राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए माफिया के खिलाफ अभियान में भाजपा समर्थकों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ अधिकारियों से बातचीत करने के लिए विजयवर्गीय रेसिडेंसी कोठी पहुंचे थे। पहले से समय लेने के बावजूद जब अधिकारी नहीं आए तो विजयवर्गीय ने मौके पर ही धरना शुरू कर दिया। विजयवर्गीय का कहना है कि DIG, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सहित मुहिम से जुड़े सभी अधिकारियों से पहले समय लिया गया था, बावजूद इसके कोई भी अधिकारी रेसिडेंसी कोठी पर नहीं पहुंचा। इसे भाजपा का अपमान बताते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे अधिकारी अनदेखा कर दे। उन्होंने कहा कि भाजपा की अवहेलना करना अधिकारियों को महंगा पड़ेगा, समय आने पर अधिकारियों को जमीन दिखाई जाएगी। वहीं उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अब सरकार से सीधा मुकाबला किया जाएगा।